कैथल में चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला से हमारे संवाददाता जयदीप राठी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है। इसमें हमारे साथ कैथल में हम रणदीप सुरजेवाला जी मौजूद है। रणदीप जी, कैसे दिखते हैं लोगों के बीच जा रहे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खट्टर सरकार के अब दिन बचे हैं 4, उसके बाद उनको यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता ने मन बना लिया है। खट्टर सरकार के क्रूर शासन, निकम्मी सरकार, पारदर्शी भ्रष्टाचार, मंदी और तालाबंदी, किसान का शोषण और युवा जो हैं वो बेजार और बेरोजगार, अब ये मिलकर निकालेंगे खट्टर सरकार। रणदीप जी, खुद PM यहाँ पे 4 रैली कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं प्रचार में जुटे और 75 पार का नारा लेकर चल रहे हैं, उसको लगता है आपको कि ये स्थिति है कि 75 पार बीजेपी जा पाएगी? ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पैनिक कर गई है, वो घबरा गए हैं, इसीलिए तो इतने लोगों को बाहर से लाने की जरूरत पड़ी। अगर आप में दम कम है तो आप खुद करते प्रचार। मैनिफेस्टो की बातें कर लेते कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बीजेपी का मैनिफेस्टो तुलनात्मक देखिए तो क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो जो आया है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कि क्या कोई बीजेपी का घोषणा पत्र है भी? पहले तो पिछले वाला घोषणा पत्र में 135 वायदे किए थे, आज तक उनमें से 5 वायदे भी पूरे नहीं हुए, इसीलिए नया जो घोषणा पत्र है वो एक नीरस उबाऊ डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस ने कई बातें बड़ी स्पष्ट तौर से कही है। किसान का, खेत मजदूर का, रविदास या वाल्मीकि का कर्जा माफ़ करेंगे 1 लाख रुपये तक का। हमने ये भी कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे, क्योंकि बिजली वाले चोर डाकुओं की तरह अब गांव के अंदर आते हैं और लोगों को लूट कर ले जाते हैं। ये रणदीप सुरजेवाला जी लोगों ने विजन कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में जिस तरीके से काम किया है, जनता में उनके प्रति नाराजगी है और अब की बार 75 पार नहीं, बीजेपी हरियाणा में सत्ता से बाहर होगी। कैथल से जयदीप राठी, R9 TV।